सबके लिए फिर से एक लेडीज सॉक्स लेके आए, थम सॉक्स लेके आए। इसे आप चाहे तो मल्टी कलर से बनाए या दो कलर से बनाए, या फिर आप एक ही कलर से भी इसे बना सकती हैं। इसे आप 4, 5, 6, 7 कितनी भी नंबर के लिए आप बना सकती हैं इसे। अगर आप यहाँ पे देखिए 4 और 5 नंबर के लिए बना रहे हैं तो 41 फंदे से स्टार्ट करें या फिर 43 फंदे से। जो मैं यहाँ पे जो मेरे फंदे ले रही हूँ 45 फंदे, ये आप 6 और 7 नंबर के लिए बना सकती हैं, ठीक है। तो मैंने 45 फंदे से स्टार्ट किया हुआ। 45 फंदे लेने के बाद मैंने दोनों साइड से उल्टा उल्टा गुनते हुए इसकी धानियां जो कंप्लीट की हुई है 1, 2, 3, 4 और ये 5, यानी 10 सिलाइयां हमने कंप्लीट की हुई है। 10 सिलाइयां कंप्लीट करने के बाद उल्टी साइड से हमने पूरी सिलाई रेड कलर से उल्टा उल्टा गुनते हुए अब हम आ गए सीधी साइड पे। अब यहाँ पे फंदों का बंटवारा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फंदे हमारे 45 फंदे है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 22 फंदों को बुन लेंगे। तो पहला फंदा उतारेंगे और यहाँ पे हम सीधा सीधा बुनेंगे। पहला फंदा उतार लिया, अब यहां से काउंट करते हुए टोटल हम 22 फंदे बुन लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और ये 22। टोटल हमने यहाँ से यहाँ तक 22 फंदों को हमने यहाँ पे बुन लिया हुआ, ठीक है। अब 22 फंदे हम इधर छोड़ेंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और ये 22। जो एक फंदे से हम यहाँ पे देखें किस तरह से बुनेंगे, यहाँ पे धागा आगे करेंगे, इस वाले फंदे को यहाँ पे देखें जाली डालेंगे, ठीक है। एक फंदे से पहले हमने यहाँ पे जाली डाली, धागा आगे करेंगे, अब यहाँ से जाली डालते हुए इन 22 फंदों को हम सीधा सीधा बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे धागा आगे नहीं करेंगे, इस तरह से धागे को घुमा लेंगे, तो यहाँ पे हमारी जाली पड़ गई। आगे करेंगे तो नहीं होगी, इस तरह से आपको घुमा लेना। इसके बाद इन 22 फंदों को हम यहाँ पे बना लेंगे। आप चाहे तो धागा आगे करके भी बुन सकते हैं, तो इस तरह से लेंगे और यहाँ से देखिए फिर से हम 22 फंदों को यहाँ पे इस तरह से सीधा सीधा बना लेंगे। आप अगर 4-5 के लिए भी बना रहे तो बॉर्डर आप इतनी ही बना लें, बॉर्डर ऊपर तक रहेगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसीलिए आप 4 से 5 यानी 5 धारियाँ ही बॉर्डर आप बना लें। और जो मैं जालियाँ डालूंगी उसमें से आपको एक एक जालियाँ कम कर देनी, जैसे मैंने इसमें 3 पैटर्न डालूंगी तो उसमें से आपको एक एक जाली कम कर देनी है, ठीक है। 6-6 जाली मैं डालूंगी इसमें तो आपको वहाँ पे 5-5 जालियाँ डाल देनी है। और छोटे साइज के लिए बनाएंगे तो वहाँ पे जाली और कम कर दें, आप 4 जालियाँ बनाएं। और भी छोटे साइज के लिए बनाने हैं तो 3 जालियाँ ही बनाएं, आप पैटर्न थोड़ा सा ज़्यादा बना दें आप। इस तरह से करते हुए देखिए हम ये रो सीधा सीधा बना के कंप्लीट कर लेते हैं। अब उल्टी साइड से देखिए क्या करेंगे, उल्टी साइड से सारे फंदों को हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो पहला फंदा हम उतार लेंगे, इस तरह से पहला फंदा उतारा और सारे फंदों को अब हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए ये कर लेते हैं, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। तो देखिए उल्टी लाइन बुनने के बाद सीधी तरफ आ गए, सीधी तरफ देखिए फिर क्या करेंगे, सीधी तरफ फिर से हम यहाँ पे पहला फंदा उतारेंगे और यहाँ से हम फिर से 22 फंदों को बुन लेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और ये 22। 22 फंदे हमने यहाँ पे बुन लिए। 22 फंदे बुनने के बाद देखिए फिर से हम यहाँ पे एक जाली डालेंगे तो धागा आगे करेंगे। धागा आगे करने के बाद देखिए ये जाली वाला फंदा, बीच का फंदा और ये फंदा, इन तीनों को हम सीधा बना लेंगे। जाली डाली, अब इन 3 फंदों को हम सीधा बनाएंगे, ठीक है। तो एक फंदा सीधा बनाया जाली डालते हुए, दूसरा फंदा नॉर्मल सीधा बनाएंगे, तीसरा फंदा भी हम नॉर्मल सीधा बनाएंगे, ठीक है। अब धागा आगे करते हुए इन 22 फंदों को फिर से हम सीधा सीधा बना लेंगे और उल्टी साइड से सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे, जाली वाला फंदा और बिना जाली वाला फंदा, सभी को उल्टा बनाना है।
फिर सीधी तरफ आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए हम आ गए सीधी साइड पे, तो सीधी साइड पे हमने यहाँ पे 22 फंदों को फिर से बुन लिया। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और ये 22, 22 फंदे हमने बुन लिए। अब धागा अपनी ओर करेंगे। अब देखिए जाली से लेके जाली तक का फंदा देखिए, अब हमारे पास 5 फंदे हो गए, 1, 2, 3, 4 और ये 5। धागा आगे करते हुए जाली भी डालेंगे और यहाँ पे 5 फंदे को हम सीधा बनाएंगे। इस तरह से जब हम धागा घुमाते हैं आगे करके तो यहाँ पे हमारी जाली पड़ जाती है। एक फंदा सीधा, दूसरा फंदा सीधा, तीसरा फंदा सीधा, चौथा फंदा सीधा और ये जाली वाला फंदा, पांचवा फंदा सीधा। ठीक है, अब धागा आगे करेंगे। जिस तरह से हम आगे करके बुनते हैं यही फंदा को जब हम इस तरह से बुनेंगे तो जो यहाँ पे धागा देखिए यहाँ पे इस तरह से जो हमारी सिलाई पे लपेटी हुई है तो इसी पर यही एक फंदा हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, अब इस तरह से करते हुए हम 22 फंदों को फिर से हम यहाँ पे सीधा सीधा बना लेते हैं, उल्टी सिलाई पूरा उल्टा। ठीक है, तो अब तक हमारे पास कितनी जालियां बन के रेडी हुई, देखिए एक जाली, ये दूसरी जाली, ठीक है, और एक जाली हमारी सिलाई पे है, तो 3 जाली हो गई। टोटल मैं 6 जाली करती हूँ, उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ। सेम इसी तरह से करना, 22 फंदों के बाद जाली डालेंगे, बीच में से जितने जाली से लेकर दूसरी जाली तक जो भी फंदे बढ़ते हुए जा रहे हैं सभी को आपको सीधा बना लेना है। फिर 22 फंदे के बाद हम जाली डालते हुए 22 फंदों को सीधा सीधा बना लेंगे और उल्टी साइड से सारे फंदों को उल्टा। तो 6 जालियां बनाने के बाद उसके बाद फिर आगे दिखाती हूँ आपको। तो देखिए इसकी हमने जो जालियां हैं 6 जाली तक हमने इसकी बना ली। ठीक है, तो यहाँ से जालियां काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। 6 जालियां तक हमने बना ली। तो 6 जालियां तक बनाने के बाद इसमें जो हमारे फंदे बढ़ के आए हैं यहाँ से काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13। अभी 13 फंदे है। ठीक है, अब सीधी साइड से हमने यहाँ पे कलर चेंज कर लिया। पहले 22 फंदों को हमने बुन लिया, जो 22 फंदे हर बार बुन रही थी, तो 22 फंदे हमने बुन लिया। अब जो यहाँ पे 13 फंदे हैं, ठीक है, 13 फंदों में से 6 फंदे हम इस साइड कर लेंगे और 6 फंदे इस साइड। बीच में जो एक फंदा होगा यानी 7वां नंबर का फंदा, उसमें से हमें फिर इस तरह की जाली डालनी है। तो अब 6 फंदा हम इस साइड से काउंट कर लेते हैं। 22 तो थे ही हमारे, जो हमारे फंदे बढ़ गए हैं जाली डालने के बाद, तो 6 फंदा हम इधर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ठीक है, 13 फंदे में से 6 फंदा हमने इधर बुन लिया, 6 फंदा इधर छोड़ देंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6 रह गया एक फंदा। अब एक फंदे से हम जाली डालेंगे। इस तरह से हमें ऐसे करना है, धागा आगे, अब यहाँ से एक फंदा हमने जाली डाली, धागा आगे कर ले। अब यहाँ से जो 6 फंदा इस जाली से बढ़ी हुई है, ये 6 फंदा और इधर 22 फंदा, सभी को हमें अब सीधा सीधा बना लेना है। तो टोटल अब हमारे दोनों साइड 28 फंदे हो गए हैं। ठीक है, तो इन 28 फंदों को फिर से बुन लूंगी, उसके बाद उल्टे साइड से फिर से आपको उल्टा बुन लेना है। और फिर जब जहाँ जाली आएंगे, जाली 28 फंदों के बाद फिर से हम यहाँ पे जाली डालेंगे, इसके बाद बीच में जो 3 फंदे सीधे आएंगे, इसके बाद फिर से जाली और 28 फंदे फिर से बुनेंगे। तो दिखाती हूँ एक बार और आपको। अब यहाँ पे देखिए हमने 28 फंदे सीधे तरफ से बुन लिए। अब जो बीच में हमारे देखिए 3 फंदे, जाली से जो बीच का फंदा होता है उसे हमें सीधा बना लेना होता है। धागा आगे करेंगे, अब 3 फंदे हम यहाँ पे सीधे बना लेंगे। ठीक है, 1, 2 और ये 3, 3 फंदे हमने सीधा बना लिया। अब धागा आगे करते फिर से 28 फंदों को हम यहाँ पे सीधा सीधा बना लेंगे और उल्टे तरफ से उल्टा उल्टा। इसी तरह से करते हुए देखिए आपको यहाँ पे भी इस कलर से 6 जालियां बना लेनी है। 6 जालियां बनाने के बाद यहाँ पे भी बीच में भी आपके ये 13 फंदे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तभी 28 फंदे हो गए। जब 28 फंदे हो गए, जब ये जालियां हमारी कंप्लीट हो जाएगी, तो इसमें से 6 फंदे फिर 28 तरफ हम कर लेंगे, तो हमारे पास हो जाएगी लगभग 34 फंदे। ठीक है, 34 फंदे बुनने के बाद फिर जो बीच का फंदा है उसमें से फिर एक बार हम ये डिजाइन डालेंगे, फिर उसे भी 6 जालियां कंप्लीट कर लेने के बाद उसके बाद आगे दिखाती। जैसे सबसे पहले देखिए जालियां हमने जो बनाई 22 फंदे के बाद जाली डाली, दूसरा डिजाइन जब हमने ये जाली वाली बनानी शुरू की थी यहाँ से हमने 28 फंदे बुना। अब जब नेक्स्ट जाली वाले डिजाइन बनाएंगे, जब ये कंप्लीट हो जाएगी 7 जालियां, तो उसमें हमें 34 फंदे के बाद हम जाली डालेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो कंप्लीट करती हूँ फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस डिजाइन को हमने 3 बार कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद देखिए ये जो डिजाइन है हमारी, एक बार हमने आपको बताई थी, दूसरी बार फिर से हमने बनाई, तीसरी बार हमने बनाई, तीसरी बार जब हमने बनाई तो 34 फंदे बुनने के बाद फिर हमने बीच में यहाँ पे जाली डाली है। ठीक है, तो 7-7 जालियां हमने सभी में बनाई, सॉरी 6-6 जालियां बनाई, इसमें भी 6 जालियां, यानी 6 इस साइड और 6 इस साइड, 12 जाली इसमें, 12 जाली इसमें और 12 जाली इसमें, तो 12 के बाद 24, 36 जाली हमने इसमें बनाई है दोनों साइड मिलाते हुए।
ठीक है, फिर दोनों पार्ट को हमने अलग अलग किया, तो टोटल मेरे पास जो फंदे बन के आ रहे थे 81 फंदे बन के आ रहे थे, यानी 81। तो मैंने 41 फंदे इधर रखे, उसके बाद 3 फंदे हमने और एक्स्ट्रा इसमें बढ़ा लिया, ठीक है, तो 44 फंदे हो गए, और इधर हमने 40 रखी हुई थी, तो 4 फंदे और हमने इसमें ऐड कर लिया, तो 44 फंदे इधर हो गए। इन्हीं 44 फंदों को हमने लगातार बुनते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 धारियां हमने बना के कंप्लीट की हुई है, ठीक है। अगर आपके 43 से 44 अगर फंदे रहते हैं लास्ट में यहां तक, अगर कम भी होते हैं तो आप क्या करें कि जिस सिलाई पे आप फंदे को दो भागों में बंटवारा करते हैं उसी लाइन पे आप यहाँ पे फंदे को बढ़ा ले, ठीक है। तो आपको ये जो पैर पीछे साइड का एड़ी ऊपर नीचे नहीं आएगी, एड़ी एकदम परफेक्ट आएगी, ठीक है। नहीं तो क्या होता है कि एड़ी नीचे तक झुक जाती है, हर बार आपको मैं यही बताती हूँ, फंदे आप थोड़ा सा ज्यादा कर ले ताकि यहाँ पे 44 फंदे तक रह जाए, 43 से 44, तो परफेक्ट बन के आएगी आपकी ये सॉक्स। अब बता दूं अगर 8 नंबर के लिए आप बना रही हैं तो यहाँ पे जो मैंने 45 फंदे से बनाया है आप यहाँ पे 47 फंदों से स्टार्ट करें, और ये जो जालियां मैंने 6 डाली हुई हैं आप यहाँ पे 7 जालियां डालें, ठीक है। 7 जालियां डालने के बाद 7 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, इसके बाद फिर जो ये रो है आप, मैंने 9 रो बनाई है, ये वाली जो 9 × 18 सिलाई बनाई है, आप 10 से 11 कर लें क्योंकि पैर के हिसाब से, ठीक है, ये हो गई। अब चलिए इसकी सिलने की बारी आती है, तो ये पार्ट हम अंदर कर देंगे और उसके बाद इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे। इस तरह का जो सॉक्स होता है ये हमारी एंकल लेंथ से ऊपर जाती है। अब देखिए ये जो धागा यहाँ पे लगा हुआ है तो इस कलर से थोड़ा सा हम यहाँ पे सिल लेते हैं, रेड कलर से लेते हुए रेड कलर को मिलाते हैं, इसे भी हम इसी तरह से सिल लेते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ से इस कलर से इसे सिलेंगे, इसके बाद फिर जो ये कलर है मैरून वाली इसमें फिर लेते हैं हम यहाँ से इसकी सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर पार्ट सिल लेती हूँ यहाँ से यहाँ तक, फिर इधर की आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ से ऊपर तक एड़ी से ऊपर से लेके यहाँ से एड़ी से लेके हमने यहाँ तक इसकी सिलाई कर ली। अब इसे हम इस तरह से खोलेंगे, यहाँ पे मैंने 12 फंदे छोड़े हुए थे, ठीक है। 12 फंदों को छोड़ने के बाद अब देखिए इस तरह से करेंगे और इसे खोल लेंगे। खोलने के बाद ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट खुला पार्ट यहाँ पे मिलाएंगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से मिलाने के बाद अब इसकी हम सिलाई करेंगे, जैसे ले लेंगे अब इसकी सिलाई कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह से लेंगे और इस तरह करते हुए इसकी सिलाई कर लेते हैं। तो इसकी सिलाई करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए इस तरह से सिलने के बाद क्या होगा, एक कोना ना निकला हुआ रहे। अब इस तरह से सिलने के बाद देखिए 4-5 इधर से 4-5 इधर से छोड़ने के बाद ये बीच वाला पे हम ले लेंगे जहाँ हमारा कोना निकला हुआ था कुछ इस तरह से, ठीक है, ऐसे ले लिया हमने। अब इसे इस तरह से करते हुए हल्के से लेते हुए इधर से सिलाई करेंगे एक बार, ठीक है, 2-3 फंदे इधर से सिलाई कर लेंगे और 2-3 फंदे इधर से सिलाई कर लेंगे, तो फिर ये कोना निकला हुआ नहीं दिखेगा आपका। अब इधर से ऊपर से पार करते हुए हम इधर लेके चले जाते हैं, अब इधर इसकी सिलाई कर लेंगे, देखिए खुला पार्ट है यहाँ इसकी सिलाई कर लेते हैं, जब यहाँ पे एक गांठ लगा लेंगे तो यहाँ पे क्या होगी कि कोना निकला हुआ नहीं लगेगा आपका, ठीक है। यानी कि इधर से बता देती हूँ कि किस तरह से करना है, थोड़ा सा दूरी पे भी कर सकते हैं आप, इस तरह से लेना और इसे ऐसे फोल्ड कर देना ऐसे अंदर की ओर, ठीक है। इस तरह से करने के बाद ऐसे देखिए ऐसे लिए, इस तरह से किए, इसके बाद इसकी हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे। अब देखिए इस सॉक्स को मैंने इसे सीधा कर लिया, अब यहाँ पे ऑन करते हैं, इसमें कितने के नाम उल लगे वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। उसमें 40 ग्राम ऊन लगे क्योंकि ये ऊन मेरी मोटी है, ठीक है, ये मोटी ऊन है। अगर आप इस तरह के पतली ऊन से बनाते हैं तो आपका ऊन बहुत ही कम लगेगा, ये वाली इस तरह की, ये 4-ply है उस वाल की, ठीक है, ये बहुत पतली है, और ये है जो बहुत मोटी है थोड़ी सी, देख सकते हैं इसकी मोटाई देख सकते हैं इसकी, ठीक है। अब इसे पैर में डाल के दिखाती हूँ कि कैसे लगेगी। तो पैर में पहनने पर देखिए कुछ इस तरह से इसकी फिटिंग है, नीचे से देख सकते हैं ये जो एड़ी पार्ट है ये एकदम बिल्कुल यहाँ तक है, ठीक है, और ऊपर में देख सकते हैं बहुत ही अच्छी फिटिंग आई है, एक जरा भी लूज नहीं है, बहुत ही अच्छी फिटिंग है इसकी, और ऊपर तक ये बनी हुई है यहाँ तक देख सकते हैं, चाहे तो ये बॉर्डर आप ऊपर तक भी और कर सकती हैं।
तो बहुत ही इजी और बहुत ही जल्दी बनने वाली है सॉक्स। अगर आप सबको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें। वीडियो को लोग लाइक नहीं करती हैं और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं कुछ न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।